हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बिना तेल का यूज़ किए पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ ये कैसी बनती है, टेस्ट कैसा लगता है बिना ऑयल के। तो सबसे पहले कढ़ाई में यहाँ पर मैंने जीरा लिया है। जीरा को एक मिनट हम भून लेंगे। जब जीरा अच्छे से भून जाएगा तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको भी अच्छे से एक से दो मिनट भून लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना और प्याज को भूनते जाना। बाद में यहाँ पे मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर ली, उसे भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। तो तेल का यूज़ नहीं किया इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और मसाले को अच्छे से भूनते जाना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। उसे भी मसाले के साथ अच्छे से एक से दो मिनट के लिए भून देंगे। बाद में टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो इसलिए यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक डालने से टमाटर हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाएगी और मसाले के साथ टमाटर को भी अच्छे से भून लेगी। फिर बाद में यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया, उसको ग्रेट करके इसमें डाल लिया। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये बिना ऑयल के बनी है। पनीर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। बाद में इसमें डालेंगे पिंच ऑफ गरम मसाला और हरा धनिया। तो आप भी घर पर ज़रूर एक बार बनाइए, खाइए। मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगी विदाउट ऑयल। जो डाइट कर ले वो लोग के लिए तो एक सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, गर्मा गर्म इसे रोटी पराठा के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको।